दादाजी का आया ब्लड रिपोर्ट और अथर्व का आया स्कूल रिपोर्ट। रिपोर्ट में हो गई अदला बदली और इस हेरा फेरी से क्या हो गया कंफ्यूजन, देखते हैं। हेलो हेलो पापा। हाँ बेटा, राजू बोलो। ब्लड रिपोर्ट आ गए आपके? हाँ नहीं, कल आएगी। कल आएगी रिपोर्ट बेटा। वो निकलने से पहले मैंने क्लिनिक में चेक किया था, वो कह रहे थे कल, क्योंकि वो पैथोलॉजिस्ट से बीमार पड़ गई है, लगता है उसका भी ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। यू नो, तो क्लिनिक वालों ने कहा कि कल तक रिपोर्ट शायद आ जाएगी। पापा, रात को बार बार बाथरूम जाते हो, बार बार पानी पीते हो, बेसिकली ये डायबिटीज के सिम्टम्स हैं। है ना बेटा, पानी तो पीना ही पड़ेगा ना, वैसे बोरीवली की गर्मी, बाप रे बाप, तो पानी पीना पड़ता है। हाँ, वो दादर में आप मफलर पहन के घूमते हो ना, हिल स्टेशन है वो। चलिए, कल आपकी ब्लड रिपोर्ट्स आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा। बाय पापा, रखता हूँ फोन, लव यू। दादाजी देखिए, गुलाब जामुन। अरे, तीन तीन? यस, मैंने अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट किया तो दादी ने मुझे तीन तीन गुलाब जामुन दिए और वो मैं बचा के लाया हूँ, तो बदले में चॉकलेट और रिपोर्ट कार्ड में अच्छे मार्क्स भी आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चॉकलेट ना? हाँ, ऑफ कोर्स, दैट्स अ डील। यस, ये चॉकलेट, ये मेरा गुलाब जामुन। थैंक यू। थैंक यू, डील पक्की रही। ओके, डन, बाय। अथर्व को पकड़ा, बहनी। अच्छा, चुप चुप चुप, प्लीज चुप 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 चुप। काय को? हाँ, मैं तेरे लिए तो इधर छुप के बैठी थी अथर्व। कचरे के डिब्बे में चॉकलेट का रैपर क्यों डाला तुमने? हाँ, तेरे बैग में भी मिला है रैपर, उसके ऊपर मालूम है कितनी चीटियाँ चढ़ी हुई थी, बाप रे बाप। अरे, वो तो पहले से चढ़ी हुई थी दीदी, जो मैं चॉकलेट खाता हूँ ना वो बहुत हेल्दी है, खजूर की बनी होती है वो। अच्छा, मैच मिली क्या तुमको खजूर बनाने को? हाँ, यच पर हेल्दी चॉकलेट है तो छुप छुप के डालती क्यों हो इधर रैपर? बोलो ना, बोलो। नहीं नहीं, मैं वहीं को बुलाती हूँ ना, वहीं। अरे जी, आशा भाई, मम्मी 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 मम्मी। हाँ, मेरा रिपोर्ट कार्ड आ गया, मुझे मैथ्स में ना 10 out of 10 मिले। रियली? हाँ, 10 out of 10, लेकिन एग्जाम 20 मार्क्स का था। अथर्वा, अरे मतलब मैंने 10 मार्क्स का अटेम्प्ट किया क्योंकि टीचर बीमार थी ना, तो इसलिए मैंने आधा अटेम्प्ट किया। अच्छा। क्योंकि अगर मैं पूरा अटेम्प्ट करता तो टीचर को पूरा चेक करना पड़ता ना, तो इसलिए मैंने आधा अटेम्प्ट किया, तो टीचर की आधी परेशानी दूर हो गई। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़के का, सुन रही है आशा? हाँ हाँ वहिनी, ये ना। अरे मम्मा, रिपोर्ट कार्ड। ओह माय गॉड, 9? 9 नहीं, 10। हाय बंधु, हाय अथर्व, ये डब्बा दे देना। राज, पापा की ब्लड रिपोर्ट? हाँ, मेरी बात हुई उनसे, कल आने वाली है। नहीं, आ गई है, पापा इज हाईली डायबिटिक, ये देखो। पता नहीं मैं यार, ये रिपोर्ट कहाँ रख दी, किसी के हाथ लग जाए तो मुसीबत। सुनिए, हाँ, ये देखिए। क्या? अथर्व को हिंदी में ना 20 में से 17 मार्क मिले। उसे सिखाता कौन है 1 घंटा? अच्छा, आपके सिखाने की वजह से नहीं मिले तो? मेरे गुलाब जाम खिलाने की वजह से मिले। वाह 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 वाह, अच्छा नुस्खा निकाला है, 1 घंटा होमवर्क इज इक्वल टू 2 गुलाब जामुन। वाह। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब भी मैं उसको गुलाब जाम देती हूँ तो वो मेरे सामने क्यों नहीं खाता, वो गार्डन में जाके क्यों खाता है? वो ऐसे ही बच्चा है। नहीं नहीं, गार्डन में अथर्व नहीं, पप्पा खाते हैं आपके दिए हुए गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खा रहा था? अरे मैं तो अभी ये खाने जा रहा हूँ। क्यों? यू नो, अथर्वा को हिंदी में बहुत गुड मार्क्स मिले हैं, है ना? रुकिए रुकिए, ये गुलाब जामुन नहीं है, ये जहर है। क्या जहर? अरे मैंने तो अभी 2 खाए, अब मुझे कुछ होगा तो नहीं, मुझे तो फ्रेश लग रहे थे। नहीं नहीं मम्मी, जहर मतलब आपके लिए जहर नहीं है, लेकिन पप्पा के लिए जहर है। वंदना समझाओ जरा, आपकी जो रिपोर्ट कल आने वाली थी ना वो आज आ चुकी है। वंदना बताओ, ये जो आपका
आखिरी दोस्त है वो मेरे सामने सब कुछ बक चुका है, तो डील वील सब एंड ऑल। डबल क्रॉस कर दिया दोस्त, फंसा दिया ना मुझे। राधिका, I don't believe this। अरे वंदना, तुम खड़े खड़े देख कैसे सकती हो, बोलो कुछ। आप है ना, बात को ऐसे हंसी में मत उड़ाइए। ये देखिए क्या, आपकी रिपोर्ट देखिए, HbA1c 9 है। 9 9 मतलब हाईली डायबिटिक। तो ये जो आप शुगर वगैरह खा रहे हो ना, वो जहर है आपके लिए। क्या जहर जहर लगा रखा है? अरे मैं मीठा खा खा के 75 सालों में इतना फिट एंड फाइन जवान हुआ हूँ, जस्ट अ यंग मैन, सी दादी का। अरे क्या बोल रहे हैं ये, कोई तो समझा। वंदना तुम बोलने वाली हो या मम्मी, एटलीस्ट आप समझाइए। तुम बोलने का मौका दोगे तो बोलूंगी ना राज। अब क्या बचा है बोलने के लिए? बचा है। अच्छा। बोलने का मौका दोगे तो पता चले। हाँ हाँ बोलो। पापा ये कोई मजाक की बात नहीं है, शुगर बहुत ही सीरियस बीमारी होती है, अंदर ही अंदर खा जाती है आदमी को। अरे तुम बात को समझ ही नहीं रही हो, सब कुछ ना बेटा यहाँ है, यहाँ एवरीथिंग इन माइंड। देखो तुम अगर अपने आप को बीमार समझो तो तुम बीमार हो जाओगे, और अपने आप को हेल्दी समझो तो हेल्दी रहोगे, लाइक मी। सही है। आई जस्ट डोंट गेट दिस, आर यू सीरियस? नो नो नो, आई एम नॉट सीरियस, आई एम जस्ट फिट एंड फाइन। नो यू आर नॉट फिट एंड फाइन। अरे बाबा अब बस करो ना बहस, बहुत हो गई बहस। अरे चाय नाश्ता रखा है, लो चलो खाओ। मम्मी आप सुन भी रही हो मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ, सुना आपने? अरे बाबा सुना, मैंने सुना इनके लिए कम चीनी खाना जरूरी है, लेकिन ये चिवड़ा और चाय कहाँ से आती है इसमें? वो जो चिवड़ा है ना, वो तेल में लथपथ है, वो गुलाब जाम की तरह ही डेंजरस है। राजू कमाल करते हो तुम, अरे चिवड़ा और वेफर्स खाने से कुछ होता है क्या? या तो आपको इस बीमारी की सीरियसनेस का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, या तो फिर बटेर की तरह बिल्ली को देखकर आप अपनी आंखें मूंद रहे हो। देखिए मेरी आंखें खुली है, ओके? सो आज से, इनफैक्ट अभी से, पापा आप स्ट्रिक्ट एंड रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर हो। वंदना हाँ? इनकम टैक्स वालों की तरह इस घर में जितनी भी शुगर बढ़ाने वाली चीजें ना, सब जब्त कर लो। हाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, क्या महाशय आप क्या कर रहे हो वहां पर? बटर क्या खा रहा है तू? वो मैं बटर खत्म कर रहा हूँ, ताकि दादा दादी बटर खा के अपनी हेल्थ ना बिगाड़े। कमाल है, हेल्प करो तो भी डांट पड़ती है। नहीं, सबको सबको डांट पड़ेगी। वंदना आज क्या खाना बनाना है उसके लिए उंगली खींचो। ओके क्या? पालक का सूप, लौकी की सब्जी और नाचने की रोटी। हो पापा टेस्ट तो कीजिए, ये पालक सूप सच में बहुत अच्छा है। पापा एक बार खाकर तो देखिए। खा लूंगा तो देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि देख लूंगा तो खा नहीं पाऊंगा। अच्छा निवाला लीजिए, आप रोटी खाइए, लीजिए। ये रोटी है? ये तो टेबल मैट लगता है। अरे लेदर है, लेदर देखो। इससे ना बटवा अच्छा बनेगा। रोटी तो वो है राधिका, इसमें घी की गंगा बह रही हो। याद है बचपन में तुझे मम्मी कैसे खिलाती थी रोटी? सीनियर वागले जी, आजकल के ये डाइट करने वाले लोग होते हैं ना, वो राइस ब्राइन ऑयल और ऑलिव ऑयल ये सब इस्तेमाल करते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाय दादा दादी। मामा डिनर में क्या है? वही जो दादा दादी खा रहे हैं, पालक का सूप, लौकी की सब्जी और नाचने की रोटी। वहिनी, ज्योति भाभी ने मस्त बिरयानी भेजी है आप सबके लिए। खाइए खाइए। खाएंगे खाएंगे। मतलब चखेंगे चखेंगे, बाकी लोग खाएंगे और हम चखेंगे। थोड़ा 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 थोड़ा। बिगड़ा स्कूल मास्टर का मुंह बिगड़ा है। सखी ये ले जाओ, उन्हें हाई डायबिटीज है। नहीं राजू एक मिनट, आज से नहीं, कल से, आज आज खा लें। नहीं, क्या है कि कल से एकदम स्ट्रिक्ट डाइट, ठीक है? आज थोड़ा सा खा लें दे। अब 5 चम्मच, एक एक चम्मच, आधा भी नहीं। सखी व्हाट डिड आई से, ले जाओ इसे यहाँ से। कम ऑन डैड, ओनली 1 स्पून। नो राजू, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। करना पड़ेगा मम्मी, अभी नहीं रोकूंगा ना।
तो लॉन्ग रन में इन्हीं को तकलीफ होगी। लॉन्ग रन बेटा 75 की उम्र है, अब क्या मेरा लॉन्ग रन? नो दादाजी, आप तो ना सेंचुरी पार करोगे। और डैड, हमें कल के लिए नहीं आज के लिए जीना चाहिए। कल किसने देखा है? अरे वाह, क्या बात है, ये बात हुई ना, ये राधिका, ये लो फोटो, क्या बात है। One and half. Fine, hi. Quit. Daddy, Dad. मम्मी को लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, है ना? तो ज्यादा क्या, मैं तो थोड़ा भी नहीं करता हूँ भाई, कुछ नहीं करूंगा। Dad, मैं तो लेक्चर देने वाला वो स्कूल मास्टर हूँ। तो मेरा लेक्चर उठाइए और कचरे की बाल्टी में फेंक दीजिए, आप बिरयानी खाइए। Dad, you know what? मैं वाकई में ये जो सबकी जिम्मेदारी निभाने की जो मेरी जॉब है ना, उससे मैं परेशान हो चुका हूँ और मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। थैंक यू। राजू, राज सुन, राजू, राज, बस बस राज, चलो चल के पापा से बात कर। नो यार, क्विट। ठीक, क्विट करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास राज, हम रिश्तों से इस्तीफा नहीं दे सकते। माँ बाप बच्चों की, बच्चे माँ बाप की जिम्मेदारियों से दूर नहीं हो सकते ना। तो मैं क्या करूँ बंधु? देखा ना तुमने सखी ने कैसे कहा, आज के लिए जियो, कल किससे देखा है। इन बच्चों का कल अच्छा हो इसीलिए मैं अपना आज झोंक रहा हूँ, हर रोज झोंक रहा हूँ, बरसों से झोंक रहा हूँ। मैं भी ये कह दूँ कि मुझे तो ना आज भी जीना है, कल की कल देखेंगे। नहीं जाता मैं कल से ऑफिस, राइट? डैडी, आप कल जाओ या ना जाओ, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि सखी दीदी ने बोला था ना आज को एंजॉय करो, तो मैं अपना आज एंजॉय करूंगा। तेरा आज एंजॉय हो गया, अब कल स्कूल जाना ही पड़ेगा थरवा। लेकिन जो कल है वो आज बन जाएगा, तो कल के दिन जो मैं एंजॉय करूंगा वो कल के दिन को आज एंजॉय करना होगा ना। तो पाइथागोरस के बाप ऐसा मुर्गा बनाऊंगा ना कि कल निकले ही नहीं, ऐसी प्रार्थना करेगा। तो चलो स्कूल बैग भरो, ब्रश करो और चुपचाप सो जाओ, और कल सुबह 5 बजे उठाऊंगा मैं, कल वाला आज निकलता कैसे ये दिखाने के लिए। ओके, जाओ। ओह नो, माय प्लान इज बाउंड बाय द एनिमी। वीडियो गेम का डायलॉग बोल रही है। बच्चा है, अपनी नई नई आदतें बिल्ड कर रहा है, और पापा की तो ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है ना, वही आदतें तोड़नी है। पापा 1% भी ट्राई नहीं कर रहे, जबकि 100% तक उन्हें ले जाना है। हाँ तो तुम लेकर आओ ना उन्हें 100% तक, और उसके लिए तुम्हें स्कूल मास्टर क्या, खड़ूस प्रिंसिपल भी बनना पड़े ना, तो बनो। आ गए मेरे दो बदमाश स्टूडेंट्स। राजू, तू स्कूल मास्टर नहीं, अब स्कूल का खड़ूस प्रिंसिपल बन गया है। हाँ मैं हूँ खड़ूस, आपको तो मम्मी बेंच पर खड़ा कर देना चाहिए। हाँ तो रहूंगी खड़ी मैं बेंच पे, लेकिन फिर भी ना चौक फेंक के मारूंगी तुझे। फिर आपको लास्ट बेंच पर खड़ा करूंगा, वो भी दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाकर। देखा बंदरा, तुझे पता चला ये अथर्व का अथर्वपन कहाँ से आया है? राजू देख, तूने मुझे खड़ूस प्रिंसिपल की तरह धमकाया, मेरा मतलब समझाया, और मैं एक अच्छे बच्चे की तरह समझ गया कि आज से दो मिठाई, नो ऑयली फूड, नो चावल शक्कर मैदा आलू, चाय भी फीकी फीकी, और रोटी गेहूं की नहीं, नाचनी की, ज्वार और बाजरा की, यही ना? वेरी गुड पापा। और बहू, तुमसे प्रॉमिस है कि नो मिठाई, नो नंदू हलवाई, दैट्स ऑल। जी हाँ, गुड। इसके साथ कल से सुबह शाम नीचे लॉन में 1-1 घंटा वॉक। मैं आ रहा हूं कल सुबह आपको उठाने 5 बजे। Thank you.
माफ कीजिएगा, ये बड़ा पाव खा रही है? आपको चाहिए? नहीं नहीं, नहीं। देखिए अगर बुरा ना माने ना, ये बड़ा पाव आप वहाँ वहाँ बैठ के खाएं जहाँ लड़का मीठा खा रहा है, उसके पास बैठ के खाती तो अच्छा था। प्लीज। ओके। वंदना, पिज्जा? हाँ राज, वेजिटेबल और पनीर पिज्जा है, घर पे बनाया है। देखो ना, चीज बहुत ही कम है, अब बच्चे तो खा ही सकते हैं ना कभी कभी। मम्मी, हाँ? मैंने चीज ग्रेट कर दिया है, अब चीज पिज्जा पे डाल दो। इतना सारा चीज? अभी तो तुमने कहा ना कि चीज बिल्कुल कम है। मम्मी पापा आ रहे, प्लीज ये चीज ही पिज्जा देखेंगे ना तो उनका मन ललचाएगा। नहीं राजू, वो नहीं आ रहे, वो जल्दी सो जाएंगे। माँ, पर मैंने उनके लिए वो फ्रूट से डेजर्ट बनाया था, स्वीट विदाउट शुगर। स्वीट स्वीट विदाउट शुगर, जैसे स्विमिंग पूल विदाउट वाटर, पिज्जा विदाउट चीज, जोक विदाउट ह्यूमर, जिंदगी विदाउट खुशी। मम्मी अभी नहीं, मेरे स्कूल मास्टर, मैं तुझे नहीं सुना रही हूँ। मुझे पता है तुम ना उनकी अच्छी सेहत के लिए सब कुछ कर रहे हो। अरे वो भी कोशिश कर रहे हैं 3 दिनों से, ऐसे फ्रिज में से मीठे का डिब्बा निकालते हैं, देखते हैं, फिर अंदर रख देते हैं। आज तो टूथपेस्ट के पैकेट पे पड़ रहे थे, कहीं इसमें शुगर तो नहीं है? ये तो अच्छी बात है ना। वो अच्छा क्या है? अच्छा हाँ, जैसे चेहरे का नूर ही छीन जाए। दादा बेचारे हेल्दी स्टफ खा तो रहे हैं पर बहुत सैड होकर, इज वेरी अनहैप्पी डैड। जिंदगी में बैलेंस होना जरूरी है बेटा, कल की चिंता में कहीं आज बोझ ना बन जाए उनके लिए। उनका बुढ़ापा ना कहीं कैद ना बन जाए, बस मुझे उसकी चिंता है। वाह पापा, बढ़िया ड्राइंग्स है, मतलब मेरी तो नहीं हो सकती। मेरी है। अच्छा, जानता है राजू, बचपन में मुझे मिठाई खाने का बड़ा शौक था, पर तेरे दादाजी बस इतना ही कमा लेते थे कि घर की दाल रोटी चल जाए। मैं ना बचपन में हलवाई की दुकान पे जाके उन मिठाइयों की ड्राइंग्स बनाता रहा, जब कभी मिठाई खाने की इच्छा होती तो बस इन ड्राइंग्स को देख लेता और अपने मन को बहला लेता था। फिर बड़ा हुआ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पैसे भी कमाने लगा, मिठाई खरीदने की औकात भी बन गई, पर इतनी नहीं कि जब जी चाहे मिठाई खरीद के ले आए। हाँ, बस तीज त्योहारों में कभी कभार अच्छी मिठाइयां खाने की इच्छा पूरी होती थी, पर अब तो पैसा है और सेहत नहीं है बेटा। राजू बेटा, परेशान मत हो, मुझे मालूम है मुझे अपने सेहत का ख्याल खुद रखना चाहिए। ये शुगर अपने साथ 10 तरह की बीमारियां लेकर आ जाती है, कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी लग गई तो मैं तुम पर और वंदना पर बोझ नहीं बनना चाहता बेटा। बेटा एक बात बता, बचपन से मैं मिठाई खाने को तरसता रहा, तो फिर ये मेरे खून में शुगर आई कहां से? त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। वैसे सखी ने सही कहा। क्या कि
हम कल की चिंता में आज को क्यों बिगाड़े? तो क्यों ना ऐसा करें कि आज भी एंजॉयबल हो और कल भी सुधर जाए? How come? I have a plan. क्या? See the fun? पापा, आज गेम नाइट है और मैंने बनाई है खजूर और ड्राई फ्रूट की स्पेशल नो शुगर मिठाई। और मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन इससे अच्छी मिठाई ना मैंने बनाई है ना मैंने खाई है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैंने नो शुगर मिठाई मुझे एक मिलेगी ना? वो आपको जीतनी पड़ेगी। यस दादाजी, टेबल टेनिस का मैच होगा, आप और मैं पार्टनर्स। हाँ पार्टनर, पार्टनर, पार्टनर। राधिका आजा, मैं और डैड पार्टनर। अच्छा ठीक है, अच्छा ओके ओके ओके। अभी रूल्स, मिनिमम 20 मिनट तक ये मैच खेलेंगे। 20 मिनट्स। देखिए ये एक घड़ी है, ये घड़ी पहनिए, ये कैलोरी मीटर है, इसे हम बार बार चेक करते रहेंगे कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की। जितनी कैलोरीज आप बर्न करेंगे उतनी मिठाई आपको मिलेगी। मुझे एक ही मिल जाए बहुत है। ना मैंने एक ही मिलेगी एक, और वो भी आपको जीतनी पड़ेगी। जीतनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है बेटा। राधिका देखना, चलो मैं तुझे हरा कर छोड़ूंगा। यह बात बेटा, मुझे मालूम है तेरा बैक हैंड वीक है, मैं तेरे बैक हैंड पे ही मारूंगा। ओके, याद ही नहीं अभी भी। हो जाए शुरू। राधिका पानी, ये लो ये लो पानी जल्दी। एक मिनट, दो मिनट। ओके रेडी, 10 मिनट है। Come on, Dadaji, you can do this. Shabash! देखा भाऊ, कितना अच्छा सॉल्यूशन निकाला है मेरे राजू ने और तेरे राजू ने। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, और मजा भी आ रहा है। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही थी कि कभी कभी जो चीज सेहत के लिए ठीक नहीं होती है वो मूड जरूर ठीक कर जाती है, बहुत सारी खुशियां दे जाती है। हाँ बेटा, ये छोटी छोटी खुशियां मिलती रहे ना तो सेहत भी अच्छी रहती है। ऐसे नहीं कहते, मस्त रहो स्वस्थ रहो। दादू फैंटास्टिक, ये है आपका रिवॉर्ड, एक बाइट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.